हवा है साफ करने के लिए, और अभी भी है फ्रिज में कॉल किए हैं, रात के अंधेरा में साफ जो है भोजन का तलाश में चले चलते कुंडा में दिख चुका है, उसी कुंडा में साफ है तो दिखाते हैं और कितना बड़ा साफ है। हाँ ये सांप देख चुका है, कई दिनों से इंडा में सांप गिर चुका है, भोजन का तलाश में अक्सर रात के अंधेरा में गिर जाते हैं गड्ढा में। ये कुआं है, कुआं में गिर चुका है रात्रि में, कई दिन से पता नहीं। यहाँ के ग्रामीण लोग अनिल जी हैं, फर्स्ट में डिपार्टमेंट में कॉल किए हैं, कॉन्टेक्ट किए, फिर सूचना मिला। मैं स्वतः आ गया सांप पकड़ने के लिए और सांप प्रस्तुत किया जा रहा है, देख सकते हैं कितना सा बड़ा सांप है और बहुत भयानक पुराना सांप है, स्पेक्टिकल कोबरा है ये। काफी लोग यहाँ की मदद भी कर रहे हैं, देख सकते हैं कुआं में था कितना गहरा नीचा, लगभग 20 फीट नीचा गहरा कुआं में सांप गिर चुका था, निकालना बहुत अर्जेंट था। मानवता के लिए इन्हें भी जीने का हक है, सांप निकाला जा रहा है, बस थोड़ी देर में बाहर चले आएंगे। बड़ा फन वाला सांप है, स्पेक्टिकल कोबरा है, ह्यूमन बोलते हैं बिहार में, बहुत जहरीला सांप होता है, इंटरनेशनल जीव है ये, नाग भी बोलते हैं इन्हें बिहार में। मैं डॉक्टर श्रवण कुमार हाजीपुर वैशाली जिला बिहार से बिलोंग करता हूँ, सैकड़ों सांप को इंसानी बस्ती से पकड़ के फिर जंगल में छोड़ चुके हैं, बहुत सारा चिड़िया खाना पटना में दे चुके हैं, अभी मैं फॉरेस्ट में सुविधा दे रहे हैं, फॉरेस्ट से जुड़ के काम कर रहे हैं स्नेक को पकड़ने का, सुरक्षित पकड़ने का, इंसानी बस्ती से पकड़ के फिर इसका अपना वातावरण में छोड़ दिया जाता है ताकि बाकी का जिंदगी जी सके। देखिए सांप बाहर आ चुका है, सांप को मारे नहीं है, फर्स्ट में कॉल किए यहाँ के लोग, देख सकते हैं काफी भीड़ भाड़ है यहाँ पे, सांप को देखने के लिए आ चुके हैं। इससे फायदा है कि सांप को देखने से लोग भीड़ लग जाता है, इससे फायदा है कि सांप को मारते नहीं, एक मैसेज आता है पूरे इलाका में, लोग डायरेक्ट फॉरेस्ट को कॉल करते हैं या नज़दीकी रेस्क्यू वालों को फ़ोन करते हैं। आप भी ध्यान रखें, कहीं देसी जानवर घर में घुस जाता है तो उसको रास्ता ले जाने के लिए, अगर नहीं जाता है तो इन्हें नज़दीकी रेस्क्यू वाले फॉरेस्ट में कॉल करें, फ़ोन करें, लोग आते हैं सुरक्षित पकड़ के फिर उसका अपना वातावरण काफ़ी दूरी पर इंसानी बस्ती से दूर चला जाता है। काफी बांध चुका है रस्सी बाल्टी में, फिर मैं इसको हाथ द्वारा इसको छुड़ा रहा हूँ, काफी बंधा हुआ है मजबूती के साथ। ब्लैक मामा। इस बार देख रहे हैं स्नेक हाजीपुर यूट्यूब, मैं डॉक्टर श्रवण कुमार सांपों को संरक्षण देना बहुत जरूरी है।
इसे बचाए रखना है पर्यावरण के लिए, सांप को जीना भी, इसको भी जीने का हक है धरती पे। पर्यावरण को मेंटेन रहता है, सांप को बचना भी जरूरी है। सांप को मारे नहीं, कहीं भी सांप दिखे फर्स्ट में कॉल करे। ये हाजीपुर मस्जिद चौक के पास वैशाली जिला का जाने माने चिकित्सक डॉक्टर उमेश सिंह के दरवाजा घर के सामने दरवाजा इंडा है, उसी में सांप गिर चुका था। काफ़ी सुरक्षित के साथ सांप रेस्क्यू हो गया है, काफ़ी सुरक्षित है, कहीं से कोई नुकसान नहीं हुआ है। महल्ला मगर हट्टा महल्ला वाले मस्जिद चौक के बगल में हाजीपुर डॉक्टर उमेश कुमार सिंह के कैंपस के सामने इंडा था, भाई थे। और इधर क्या क्या संजय जी हैं, इन्हीं के सौजन्य से आए हैं और उसके बाद फिर लेके जा रहे हैं। बहुत ही इनको बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने रक्षा किए। अनिल जी हमारे अनिल जी ढुंडा बाबू ने हमको फोन किया था, ये हाजीपुर पकड़े हैं, आगे मेरे यहाँ से भी लेके जा रहे हैं अनिल जी। अभी ढुंडा बाबू अनिल बाबू ने फोन किया और इन्होंने हमारे मोबाइल पे वीडियो डाला था, सांप है हमने देखा, तो हमने नेट से डीएफओ साहब का नंबर लेकर के डीएफओ साहब को फोन किया। डीएफओ साहब ने कहा कि आपको सुरक्षित रखिए, मैं तुरंत इसकी व्यवस्था मैं करता हूँ और मैं जो है एनिमल फॉरेस्ट में मैं जुड़ा हूँ और मेनका गांधी के संस्था का मैं इसमें पार्टनर हूँ, प्रतिज्ञा संस्थान का संजय कुमार। और मैंने उनको फ़ोन किया, सरवन जी ने फिर हमसे कांटेक्ट किया और हम सरवन जी को लेकर के आए हैं और बहुत बहुत मैं सरवन जी को बधाई देता हूँ। और सांप को कैसे पकड़ा जाता है आज हम लोगों ने पहले देखा और इतना एकदम, और ये है कि सबसे खुशी की बात है कि सांप बहुत ही सुरक्षित है और यहाँ के लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि लोगों ने इस बीच इनको पानी और दूध खाने पीने का भी प्रबंध किया। इसके लिए यहाँ के लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, अनिल जी को धन्यवाद और शर्मा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भी प्रतिज्ञा के संजय जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आभार कि इन्होंने अथक मेहनत करके सरपंच जी को लेके उसको सुरक्षित ठिकाने लगाने का व्यवस्था की। मैं वैशाली जिला में सैकड़ों सांप पकड़ा हूँ और फेस्ट में दे चुका हूँ और सैकड़ों सांप को चिड़ियाखाना पटना में दिए हैं। सांप को नहीं मारना चाहिए, पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी है और बहुत अच्छा किए गांव के लोग यहाँ मदद किए, सांप को मारने बचाने में मदद की है, कॉल किए हैं, इसके धन्यवाद सभी लोग। मैं बचपन से सांप पकड़ता हूँ, मेरा नाम डॉक्टर श्रवण कुमार हुआ, धन्यवाद। ठीक है, तो सांप को सुरक्षित रखते हैं थैला में। Thank you.
हम आए हैं एक घना जंगल में सांप को अपने परिवेश में छोड़ने के लिए, इसको आज़ाद कर देते हैं फिर से बाकी की ज़िंदगी बिता पाएंगे। देख सकते हैं घना सा जंगल है, बहुत परिवेश में चला जाएगा, इंसानी बस्ती से दूर स्नेक को रिलीज कर देना बहुत खड़ा हो जाइए ऐसे इसको सफल हो जाता है। इंसानी बस्ती से सांप को पकड़ के एक घना जंगल में इसके परिवेश में छोड़ देना एक बहादुरी काम है, सुरक्षित जो कभी हमें नुकसान ना हो, कभी स्नेक को नुकसान ना हो, गांव वाले को नुकसान ना हो, पर्यावरण भी बचाए रखता है। अरे यही में मुंह घुस गया, स्नेक को बचना भी जरूरी है। देख सकते हैं अपना परिवेश में आप भी है ना, इधर जा रहे हैं बहुत आराम से जा रहे हैं, सकते हैं ये इंटरनेशनल जीव है, स्पेक्टिकल कोबरा है। देख सकते हैं फर भी मारेगा थोड़ा देर में, सबसे जहरीला सांप होता है ये, देख सकते हैं। जब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हाँ, ये सांप देख चुका है, कई दिनों से ये इंडा में सांप गिर चुका है, भोजन का तलाश में अक्सरा रात के अंधेरा में गिर जाते हैं गड्ढा में। ये कुआं है, कुआं में गिर चुका है रात्रि में, कई दिन से पता नहीं। यहाँ के ग्रामीण लोग फिर यहीं पे अनिल जी हैं, फॉरेस्ट में डिपार्टमेंट में कॉल किए हैं, कॉन्टेक्ट किए तो हम लोग फिर सूचना मिला। मैं स्वतः आ गया सांप पकड़ने के लिए और सांप रेस्क्यू किया जा रहा है। देख सकते हैं कितना सा बड़ा सांप है और बहुत भयानक पुराना सांप, स्पेक्टिकल कोबरा है ये। काफ़ी लोग यहाँ के मदद भी कर रहे हैं, देख सकते हैं कुआं में था कितना गहरा नीचा, लगभग 20 फीट नीचा गहरा कुआं में सांप गिर चुका था, निकालना बहुत अर्जेंट था। मानवता के लिए इन्हें भी जीने का हक है। सांप निकाला जा रहा है, बस थोड़ी देर में बाहर चले आएंगे। बड़ा फन वाला सांप है, स्पेक्टिकल कोबरा है, गेहूमन बोलते हैं बिहार में, बहुत जहरीला सांप होता है, इंटरनेशनल जीव है ये, नाग भी बोलते हैं इन्हें बिहार में। मैं डॉक्टर श्रवण कुमार हाजीपुर वैशाली जिला बिहार से बिलोंग करता हूँ,
सैकड़ों सांप को इंसानी बस्ती से पकड़ के फिर जंगल में छोड़ चुके हैं। बहुत सारा चिड़ियाखाना पटना में दे चुके हैं। अभी मैं फॉरेस्ट में सुविधा दे रहे हैं, फॉरेस्ट जुड़ के काम कर रहे हैं स्नेक को पकड़ने का, सुरक्षित पकड़ने का, इंसानी बस्ती से पकड़ के फिर इसका अपना वातावरण में छोड़ दिया जाता है ताकि बाकी का ज़िंदगी जी सके। देखिए सांप बाहर आ चुका है, सांप को मारे नहीं है, फॉरेस्ट में कॉल किए यहाँ के लोग, देख सकते हैं काफ़ी भीड़ भाड़ है यहाँ पे, सांप को देखने के लिए आ चुके हैं। इससे फ़ायदा है कि सांप को देखने से लोग भीड़ लग जाता है, इससे फ़ायदा है कि सांप को मारते नहीं, एक मैसेज आता है पूरे इलाका में, लोग डायरेक्ट फॉरेस्ट को कॉल करते हैं या नज़दीकी रेस्क्यू वालों को फ़ोन करते हैं। आप भी ध्यान रखें, कहीं भी देसी जानवर घर में घुस जाता है तो उसको रास्ता ले जाने के लिए, अगर नहीं जाता है तो इन्हें नज़दीकी रेस्क्यू वाले फॉरेस्ट में कॉल करें, फ़ोन करें, लोग आते हैं सुरक्षित पकड़ के फिर इसका अपना वातावरण काफ़ी दूरी पे इंसानी बस्ती से दूर चला जाता है। काफ़ी बांध चुका है रस्सी बाल्टी में, फिर मैं इसको हाथ द्वारा इसको छुड़ा रहा हूँ, काफ़ी बंधा हुआ है मजबूती के साथ। इस बार देख रहे हैं स्नेक हाजीपुर यूट्यूब, मैं डॉक्टर श्रवण कुमार, सांपों को संरक्षण देना बहुत जरूरी है। इसे भी बचाए रखना है पर्यावरण के लिए, सांप को जीना भी, इसको भी जीने का हक है धरती पे। पर्यावरण को मेंटेन रहता है, सांप को बचना भी जरूरी है, सांप को मारे नहीं, कहीं भी सांप दिखे फॉरेस्ट में कॉल करें। ये हाजीपुर मस्जिद चौक के पास वैशाली जिला का जाने माने चिकित्सक डॉक्टर उमेश सिंह के दरवाज़ा घर के सामने दरवाज़ा इंडा है, उसी में सांप गिर चुका था। काफ़ी सुरक्षित के साथ सांप रेस्क्यू हो गया है।
कोई चप्पल हमारे एक घना जंगल में सांप को अपने परिवेश में छोड़ने के लिए इसको आज़ाद कर देते हैं, फिर से बाकी की ज़िंदगी बिता पाएंगे। देख सकते हैं घना सा जंगल है, बहुत परिवेश में चला जाएगा। इंसानी बस्ती से दूर स्नेक को रिलीज कर देना बहुत इसको सफल हो जाता है। इंसानी बस्ती से सांप को पकड़ के एक घना जंगल में इसके परिवेश में छोड़ देना एक बहादुरी काम है, सुरक्षित, जो कभी हमें नुकसान ना हो, कभी स्नेक को नुकसान ना हो, गाँव वाले को नुकसान ना हो और पर्यावरण भी बचाए रखता है। स्नेक को बचना भी जरूरी है। देख सकते हैं अपना परिवेश में जा रहे हैं, बहुत आराम से जा रहे हैं। देख सकते हैं ये इंटरनेशनल जीव है, स्पेक्टिकल कोबरा है। देख सकते हैं फर भी मारेगा थोड़ा देर में। सबसे जहरीला सांप होता है ये, देख सकते हैं। जब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।
हाँ ये सांप देख चुका है, कई दिनों से ये इंडा में सांप गिर चुका है, भोजन का तलाश में अक्सरा रात के अंधेरा में गिर जाते हैं गड्ढा में। ये कुआं है, कुआं में गिर चुका है रात्रि में, कई दिन से पता नहीं। यहाँ के ग्रामीण लोग फिर यहीं पे अनिल जी हैं, फॉरेस्ट में डिपार्टमेंट में कॉल किए हैं, कॉन्टेक्ट किए तो हम लोग फिर सूचना मिला। मैं स्वतः आ गया सांप पकड़ने के लिए और सांप रेस्क्यू किया जा रहा है। देख सकते हैं कितना सा बड़ा सांप है और बहुत भयानक पुराना सांप है, स्पेक्टिकल कोबरा है ये। काफ़ी लोग यहाँ के मदद भी कर रहे हैं, देख सकते हैं कुआं में था कितना गहरा नीचा, लगभग 20 फीट नीचा गहरा कुआं में सांप गिर चुका था, निकालना बहुत अर्जेंट था। मानवता के लिए इन्हें भी जीने का हक है। सांप निकाला जा रहा है, बस थोड़ी देर में बाहर चले आएंगे। बड़ा फन वाला सांप है, स्पेक्टिकल कोबरा है, गेहमन बोलते हैं बिहार में, बहुत जहरीला सांप होता है, इंटरनेशनल जीव है ये, नाग भी बोलते हैं इन्हें बिहार में। मैं डॉक्टर श्रवण कुमार हाजीपुर वैशाली जिला बिहार से बिलोंग करता हूँ। सैकड़ों सांप को इंसानी बस्ती से पकड़ के फिर जंगल में छोड़ चुके हैं, बहुत सारा चिड़ियाखाना पटना में दे चुके हैं, अभी मैं फॉरेस्ट में सुविधा दे रहे हैं, फॉरेस्ट से जुड़ के काम कर रहे हैं स्नेक को पकड़ने का, सुरक्षित पकड़ने का, इंसानी बस्ती से पकड़ के फिर इसका अपना वातावरण में छोड़ दिया जाता है ताकि बाकी का ज़िंदगी जी सके। देखिए सांप बाहर आ चुका है, सांप को मारे नहीं है, फॉरेस्ट में कॉल किए यहाँ के लोग, देख सकते हैं काफ़ी भीड़ भाड़ है यहाँ पे, सांप को देखने के लिए आ चुके हैं। इससे फ़ायदा है कि सांप को देखने से लोग भीड़ लग जाता है, इससे फ़ायदा है कि सांप को मारते नहीं, एक मैसेज आता है पूरे इलाका में, लोग डायरेक्ट फॉरेस्ट को कॉल करते हैं या नज़दीकी रेस्क्यू वालों को फ़ोन करते हैं। आप भी ध्यान रखें, कहीं भी देसी जानवर घर में घुस जाता है तो उसको रास्ता ले जाने के लिए, अगर नहीं जाता है तो इन्हें नज़दीकी रेस्क्यू वाले फॉरेस्ट में कॉल करें, फ़ोन करें, लोग आते हैं सुरक्षित पकड़ के फिर इसका अपना वातावरण काफ़ी दूरी पे इंसानी बस्ती से दूर चला जाता है। काफ़ी बांध चुका है रस्सी बाल्टी में, फिर मैं इसको हाथ द्वारा इसको छुड़ा रहा हूँ, काफ़ी बंधा हुआ है मजबूती के साथ। इस बार देख रहे हैं स्नेक हाजीपुर यूट्यूब, मैं डॉक्टर श्रवण कुमार सांपों को संरक्षण देना बहुत जरूरी है। इसे भी बचाए रखना है पर्यावरण के लिए, सांप को जीना भी, इसको भी जीने का हक है धरती पे। पर्यावरण को मेंटेन रहता है, सांप को बचना भी जरूरी है, सांप को मारे नहीं, कहीं भी सांप दिखे फॉरेस्ट में कॉल करें,
ये हाजीपुर मस्जिद चौक के पास वैशाली जिला का जाने माने चिकित्सक डॉक्टर उमेश सिंह के दरवाजा घर के सामने दरवाजा इंडा है, उसी में सांप गिर चुका था। काफ़ी सुरक्षित के साथ सांप रेस्क्यू हो गया है। Thank you.
कोई चप्पल नहीं। हम आए हैं एक घना जंगल में सांप को अपने परिवेश में छोड़ने के लिए, इसको आज़ाद कर देते हैं फिर से बाकी की ज़िंदगी बिता पाएंगे। देख सकते हैं घना सा जंगल है, बहुत परिवेश में चला जाएगा, इंसानी बस्ती से दूर स्नेक को रिलीज कर देना बहुत इसको सफल हो जाता है। इंसानी बस्ती से सांप को पकड़ के एक घना जंगल में इसके परिवेश में छोड़ देना एक बहादुरी काम है, सुरक्षित, जो कभी हमें नुकसान ना हो, कभी स्नेक को नुकसान ना हो, गांव वाले को नुकसान ना हो और पर्यावरण भी बचाए रखता है। स्नेक को बचना भी जरूरी है। देख सकते हैं अपना परिवेश में जा रहे हैं, बहुत आराम से जा रहे हैं, देख सकते हैं। ये इंटरनेशनल जीव है, स्पेक्टिकल कोबरा है, देख सकते हैं फर भी मारेगा थोड़ा देर में। सबसे जहरीला सांप होता है ये, देख सकते हैं। जब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।